दिल्ली एनसीआर में लगातार प्रदूषण का स्तर बढ़ता जा रहा है। 30 अक्टूबर को राजधानी दिल्ली में AQI 322 दर्ज किया गया, जो कि बहुत ही खराब श्रेणी में आता है। 29 अक्टूबर को भी दिल्ली का औसतन AQI 309 दर्ज किया गया था। वहीं नोएडा में प्रदूषण और ज़्यादा बढ़ गया है। 30 अक्टूबर को नोएडा का औसत AQI दिल्ली से भी ज़्यादा रहा, जो कि 324 दर्ज किया गया। इसके अलावा गुरुग्राम में भी AQI का स्तर 300 के पार पहुंच गया है। गुरुग्राम का AQI 314 दर्ज किया गया। इसके साथ ही दिल्ली के कई इलाकों में भी AQI 300 के पार पहुंच गया है। दिल्ली यूनिवर्सिटी क्षेत्र में AQI 354, एयरपोर्ट T3 पर AQI 342, लोधी रोड में AQI 311, IIT दिल्ली क्षेत्र में AQI 314, जबकि मथुरा रोड में AQI 334 दर्ज किया गया, जो कि बहुत ही खराब स्थिति में है। दिल्ली सरकार की लाख कोशिशों के बाद भी दिल्ली में प्रदूषण बढ़ता जा रहा है। पिछले दिनों दिल्ली के पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने रेड लाइट ऑन इंजन ऑफ अभियान की शुरुआत की थी, लेकिन इसके बावजूद प्रदूषण पर कंट्रोल नहीं हो पाया, जिससे आम लोगों की परेशानी और बढ़ गई है। खास करके सांस के मरीजों का जीना मुश्किल हो गया है। दिल्ली और आसपास के इलाकों में बढ़ते प्रदूषण का कारण किसानों के पराली जलाना और तापमान में गिरावट बताई जा रही है।